26 ਦੀ ਪਰੇਡ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹਮਾਰਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਐਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮ ਡਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ हमारी मौत होएगी यहाँ से हमारी लाश उठ सकती है लेकिन हम यहाँ उठने वालों में से नहीं है तीन अंधे काले कानून खत्म करवाने हैं और एमएसपी का बिल फिक्स रेट लगवाना है इससे नीचे हमारा कोई भी किसान नेता इस बात पे एग्री नहीं है कि संशोधन करे हमें नहीं चाहिए संशोधन हमें खत्म करवाना है एमएसपी पास करवाना है मोदी साहब आपने अपमान कराया है आपने अपमान कराया है आरएसएस के बंदों से और जो टकेत साहब के आंसू आए हैं उन आंसुओं का बदला एक एक का चुन चुन के ये मां चंडी लेगी जय सेंटर सरकार के तीन खेती कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन दिल्ली दी सरहदों पर चल रहा है किसानों वालों मांग की जा रही है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए और जोड़े काले कानून ने उन्होंने रद्द किया जाए जोड़े तीन खेती कानून सेंटर सरकार वालों पास किए गए हैं अजिहे सब्बी की ट्रैक्टर परेड कढ़ी जाती है किसानों वालों तो पुलिस प्रशासन वालों काफ़ी लाठीचार्ज किया जाता है तो अजिहे च एक महिला ने जो हरियाणे तो आए ने मातावान ने साडिया उन्होंने दिखाने उन्होंने भी लाठीचार्ज होया भारत के खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर कह रहे थे कि महिलावां ते बच्चे बजुर्गों को वापस भेज दिता जाए पर अजिही महिला है साडे नाल जो इत्थे पहुंचे ने उन्होंने करदे आ गल तुहानू भी मिलवाउणे आ शेर नहीं है बिल्कुल हरियाणे की शेर नहीं कहा जा सकता उन्होंने हाँ जी सत श्रीकाल जी सत श्रीकाल जी कितना लग रहा है जो आंदोलन चल रहा है सेंटर सरकार दी है जो नीतियां ने किस तरह देख रहे हो उसमें जितने दिन मोदी साहब से हमारा संघर्ष चलाना रखना है उतना चलाने के लिए तैयार है लेकिन मोदी साहब आपने झुकना पड़ेगा ये बेटी का वादा है माँ जननी का वादा है खेतीबाड़ी मंत्री ने नरेंद्र तोमर ते सुप्रीम कोर्ट वालों भी बयान आते हैं बई जो महिलावान ने जिहड़ियां बच्चे ने बुजुर्ग ने धरने च क्यों ने उन्होंने वापस भेज दिया जाए इतने हालात खराब हो सकते हैं की कहेंगे क्या हमारे बच्चे हमने पैदा नहीं कर रखे क्या हम अपने बच्चे मरवाने का काम कर रखा है जहाँ हमारे बच्चे जाएंगे वहीं हम जाएंगे हम महिलाएं अपने पति के साथ अपने बेटे के साथ अपने चाचा ताऊ के साथ अपनी बहनों के साथ खेती का काम करते हैं अन्न पैदा करते हैं खाना खाना नहीं बनाते हम कंधे से कंधा मिला के अन्न पैदा करते हैं तुसी इत्थे पहुंचे हो हुण सब कितनी तरीक तो हो रहे हो मैंने दो महीने हो गए पूरे जी मैं यहाँ 26 तारीख को वाली थी जी सब्बी दी परेड च भी तुसी शामिल होया तुसी दस्या थोड़े लाठी चार्ज होया बिल्कुल लाठी चार्ज हमारा हुई हुई है और ऐसे बिल्कुल हम डरने वाले नहीं है इतनी लाठी गोली जो चाहे जो दंगा हमारे पे करा दे मोदी हमारी मौत होएगी यहाँ से हमारी लाश उठ सकती है लेकिन हम यहाँ उठने वालों में से नहीं है पर वो कह रहे ने जेडे कानून ने रद्द नहीं होणगे ना ते शोध कर दांगे वो कल भी प्रधानमंत्री दा बयान आया हमें बिल्कुल तीन अंधे काले कानून खत्म करवाने हैं और एमएसपी का बिल फिक्स रेट लगवाना है इससे नीचे हमारा कोई भी किसान नेता इस बात पे एग्री नहीं है कि संशोधन करे संशोधन ना तो करवाना था अगर संशोधन करवाना होता तो मेरे किसान भाई 150-200 हमारे किसान भाई शहीद हो गए अगर संशोधन करवाना होता तो उसी दिन करवाते आज क्यों बोला संशोधन का हमें नहीं चाहिए संशोधन हमें खत्म करवाना है एमएसपी पास करवाना है तीन अंधे काले कानून जो लेके आए हैं वो फैल करवाने हैं मोदी साहब अगर आप झुकोगे तो किसान झुकेगा अगर आप नहीं झुकेगा तो मेरा किसान झुकेगा नहीं अपनी लाशें उठवाएगा यहाँ से जाएंगे नहीं 26 जनवरी का ट्रैक्टर मार्च निकलता है क्या जा रहा है राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया गया की लग रहा है हम हिंदू हैं हम भारतवासी हैं हम अन्न पैदा करने वाले हैं अपने राष्ट्रीय झंडे का अपमान नहीं सहेंगे जो राष्ट्रीय झंडे का अपमान करेगा उसको भगवान भी माफ नहीं करेगा मोदी साहब आपने अपमान कराया है आपने अपमान कराया है आरएसएस के बंदों से आपने मेरी धरती माता का मेरा जो मेरे वीर शहीद होते थे वो झंडे में लिपट के आते थे आज मेरे झंडे का अपमान मोदी साहब आपने कराया है हमने कोई अपमान ना करेंगे ना सहेंगे मेरी धरती माँ की कसम मेरे पूत वीरों की कसम
झंडे का बदला लेके रहेंगे, और जो टकेत साहब के आंसू आए हैं उन आंसुओं का बदला एक एक का चुन चुन के ये माँ झंडी लेगी। जय जय। किसानों तो इतने पथरावबाजी की जाती है, क्या जा रहे इतने के स्थानक लोग असं परेशान हो रहे हैं, इन्हों इतों सड़क खाली कर देनिया चाहिए ने, की लग रहा है थोनू? ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ जो बीजेपी के आरएसएस के आदमी हैं वो हमारे यहाँ घुसवाए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें बड़े प्यार नाल हम समझा के भेज देते हैं। आगे अगर कोई ऐसा बंदा आ गया तो मोदी साहब खुद आप जिम्मेवार हो गए, ताकि मेरा किसान नहीं। 26 जनवरी नूं काफ़ी नौजवान ने, किसान ने जो अरैसट किए गए ने, उन्होंने जेलों से डक्या जा रहा, परचे दर्ज किए जा रहे हैं, की लग रहे? सब गलत है, सब कानून रद्द कराएंगे, जितने केस दर्ज करे जा कर ले मोदी, लेकिन जेल के सारे कानून तूने रद्द करने पड़ेंगे, और जितने तूने केस लगाए हैं सब वापिस लेने पड़ेंगे, ये एक माँ जननी का वादा है। पत्रकारों नूं भी अरैसट किया जा रहा, कल भी इतों एक मुंडा पत्रकार सीगा, उहदा पता भी नहीं लग रहा कित्थे है, एक सिख नौजवान नूं अरैसट किया गया, उहदे घर दे पूछ रहे ने भी कित्थे है, कुछ नहीं दस रहा पुलिस प्रशासन। वो बीजेपी सरकार का जिम्मेवार है, अगर उस पूत पे कुछ हो गया तो मोदी साहब आपने हिसाब देना पड़ेगा उस लाल का, उस पत्रकार का। की लगता है, कहा जा रहा है आंदोलन फेल हो गया, इदां दी अफवाहां नैशनल मीडिया फैला रहा है? अरे आप देख रहे हो, जब नेट बंद कर दिया तो घरों की हरकत बीजेपी की है, ताकि हमारी नहीं, हमारी लाइट भी काटी जा रही है, हमारे नेट भी बंद कर दिए, नेट बंद करके उसने की अपील करेंगे तुसी नौजवानों की अपील करेंगे, जो जो साडा किसान ने, नौजवान ने, महिलावां ने, पिंडां च बैठियां ने, उन्हां नूं की अपील करेंगे चैनल ते? मैं यही कहती हूँ, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पंडाल में आके बैठा करो, ताकि अपने ट्रेली ट्रैक्टरों में मत रहा करो। हुण किन्ने क महिलावां ने जिहड़ियां तुहाडे नाल आईयां ने इत्थे हरियाणे दीआं, किन्नियां महिलावां ने, किन्ने क बजुर्ग ने? 4000 महिलाएं आज फिलहाल हमारी हरियाणे की महिलाएं आ चुकी हैं, और हजारों की तादाद में पंजाब की ला चुकी हैं। जी जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, ये सन महिलावां जो कि हरियाणे तो पहुंचिया ने, इन्हों का कहना है कि जदों तक ये काले कानून रद्द नहीं होंगे असी इतों नहीं जावांगे, जिहड़े सानू कमजोर समझ रहे ने ये भुलेखा कर देन कि महिला कमजोर आ, महिला जदों एक बच्चे नू जन्म दे सकती है तो वह कोई भी कष्ट सह सकती है, इत्थे असी डटे रहांगे, जदों तक ये काले कानून रद्द नहीं होंगे उदों तक असी इतों वापस नहीं जावांगे। कैमरामैन बूटे दे नाल मनविंदर सिंह टिवाणा, पंजाबी लोक चैनल, कुंडली बॉर्डर, दिल्ली।